जैन तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के त्रिमूर्ति जिनालय में 5 मई से 13 जून 2023 तक चल रहे 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान में मुख्य वेदी में विराजमान त्रय तीर्थंकरों का जलाभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ, सुनील जैन सर्राफ, सुशील जैन चावल वाले, मुकेश जैन चांदी वाले, संजय जैन, अनिल जैन, राजीव जैन आदि का विधान संयोजक व क्षेत्र के सदस्य श्री विजय कुमार जैन बैंक वालों ने सभी श्रद्धालुओं का मंगल तिलक, माल्यार्पण व मुकुट बांधकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अभिनंदन किया। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी। पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जी चीम चीम द्राम द्राम रीम रीम द्रावे द्राम मोरते भगवते सीमते पवित्र जले जिन्नी अभिषेचिया मिस्वाहा। तत्पश्चात आज की शांति धारा करने का सौभाग्य गुलाब चंद जैन, शारदा जैन, विपिन जैन, बबीता जैन, पांड्या परिवार, कर्ण जैन, श्रद्धा जैन, प्रज्ञा जैन, सौम्या जैन, कुबेर जैन सदर मेरठ को प्राप्त हुआ। शांति धारा में सहयोग श्रीमती संतोष जैन, प्रमोद जैन, दवर्ष जैन, आरती जैन, हरदा मध्य प्रदेश ने किया। के बली पन्ना तो धम्मो लोग तुमो चत्तारी चरणम पव जामी, अरंते चरणम पव जामी, सिद्धे चरणम पव जामी, साहु चरणम पव जामी। शांति धारा कर्ता पुण्याजक परिवार से श्रीमान गुलाब चंद जी जैन, शारदा जी जैन, श्रीमान विपिन जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, पांड्या परिवार, लवीना जी जैन, करण जैन, श्रद्धा जी, नितिन जैन, प्रज्ञा जैन, सौम्या जैन, श्रेष्ठ जैन, कुबीर जैन, समस्त पांड्या परिवार सदर मेरठ से परिवार में सुख शांति समृद्धि हेतु सा परिवार से श्री संतोष जी जैन, श्री प्रमोद जी जैन, श्रीमती आरती जी जैन, देवर्ष जी जैन, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज टिमरी जिला हरदा मध्य प्रदेश से समस्त सा परिवार से श्री सुरेश चंद जी जैन, कालका दिल्ली निवासी सा परिवार से श्रीमान स्वर्गीय पवन कुमार जैन की पुण्य स्मृति में रामपुरी गाजियाबाद सा परिवार से श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, रेखा जैन, सेंकी जैन, युगांक जैन, माँ सादा पेपर मिल बिजनौर से सा परिवार से श्रीमान आदि जैन के जन्मदिन पर स्वास्थ्य लाभ हेतु नीरू जैन अहमदाबाद निवासी, ब्रजेंद्र कुमार सविता विशेष जैन दिल्ली निवासी सा परिवार। ओम रीम तिलोके शिरोमणि अनंत विभूति से युक्त अर्गंत परमेट ने अष्ट प्रातियारे मध्य छत्र त्रयम् निस्थापयामि। ओम रीम द्वादश सभाओं के बीचों बीच गंध कुटी पर विराजित अर्गंत परमेट ने 64 रिद्धियों से युक्त मम प्रगटाये 64 चमर स्थापयामि। त्रैलोक लोक सुबते गमे भूति देखा सदर मिराज जय गो सनी गो सिकासन के दंद वीरदन तीते यसिता प्रभादी तालियों पे तालियां बजाते जाइए। हाँ, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए। ओ, 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 ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। ओ, मंगली आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुणगाता हूँ शांति प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, गुणगाता हूँ शांति प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, और होगा बेड़ा पार जी। अन बेड़ा पार है भक्ति का प्रसार है शांतिनाथ भगवान। ओम रीम आचरी परमेटी
चरणारविंद भ्यो नमः जलादियर गम निपामेति। श्रावक जो होते हैं, श्रावक जो शब्द है, श्रावक के कई कर्तव्य होते हैं, कार्य अलग होते हैं। असी मसीह कृषि आदि ये आते कार्य में, और कर्म अलग होते हैं। फल क्या देता है? फल कर्म देता है, कार्य नहीं देते। कर्म जो देगा, फल जो मिलना है वो कर्म के द्वारा होगा। जैसे आप कर्म करेंगे और वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्म जो होते हैं, देव पूजा, देव पूजा मतलब भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने पूजा करना। पुरुष अभिषेक सहित पूजा करें और महिलाएं अभिषेक को देख करके पूजा करें। शांतिनाथ जिन वर ध्याओ, जिन राग देश का नाश किया, केवल कला के द्वारा प्रभु ने भव को उपदेश दिया। जो भक्ति भाव से शांतिनाथ जिन वर का पाठ रचाता है, उसके दुख सब मिट जाते हैं, मुक्ति के फल को पाता है। बस आपकी प्रभु जी आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु जी आ जाए। ओम सर्वृद्धि सिद्धि संपन्न सर्वविघ्न विनाशक आत्म शांति प्रदायक अष्ट प्राति हर संयुक्त षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्रि अवतरप्त सम्भूषटावाहिन। जय हो, जय हो। जिन देव प्रभु की वाणी को ही माँ जिन वाणी कहते हैं, जो जिन वाणी माँ हृदय धरे, वे जग के दुख ना सहते हैं। श्री शांतिनाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को, शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने को। ओम हिम मिथ्या ज्ञान विनाशक शुद्ध सम्यक ज्ञान प्राप्ते श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रार्घम नर्पामति। ओम रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कारकाय पंच परमेष्टि पद प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय प्रथम वलय मध्ये पुनर्घम निपामिति स्वाहा। ओम रीम सर्व विघ्न विनाशक दर्शन आराधनाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम निपामिति। 40 दिवसीय शांतिनाथ विधान के आज 7वें दिन 200 परिवारों ने भाग लिया। सभी ने हर्षोल्लास पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की आराधना की। ओम रीम सर्वे विघ्न विनाशक चारे तारा नई सन्नाथ में नई अर्घन भूमि। तपाराधना मेरे जिनवर सम्यक रूप से धारो में, तपाराधना इसी सन्नाथ में नई अर्घन भूमि। इस अनुष्ठान में बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक विधि विधान की क्रियाएं कराई गयी। नाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को, शांति नाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को। शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने। ओम रीम सर्व विघ्न विनाशक एकत्व भावना इसी जननाताय अर्घन नामिनि। चतु आराधना द्वादश भावना यही शांतिनाथ जिनेन्द्राय द्वितीय बलय मध्ये पुनर्घम निभामिति। दर्शन विशुद्धि भावना यही विशुषित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निभामिति। विधवन जिनवर की प्यारी मोहति मीर हर लेती है, भटक रहे भग जीवों को सच्चा मार्ग दे देती है। श्री शांतिनाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को, शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने। ओम नीम आत्म देव प्राप्य दिव्य ध्वनि प्राधि और विभूषित नाना जिनेन्द्राय अर्घन भूमि। ओम रीम त्रिलोक पूजित गोत्र सद्गुण विभूषित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः तृतीय वलय मध्ये पुनर्घम निभामिति। ओम सब राजा प्रजाधि प्रतिवाद विनाश समत प्रवदित बुद्धि रिद्धि विभूष श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निभामिति। धर सकते हैं जो मन में आ जावे जी,
पर उनको निज रूप ही भावे पर नती और न जावे। ओम रीम कामित वस्तु प्रदान समान काम रूपित विक्रिया रिद्धि विभूषि सन्नाज ने नाय अर्घन व्योम दी। गुरुवर तुमको अपना मानू ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानू मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानू हो ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानू मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानू मारुच्चारण रिद्धि से मुनि ऐसे बल को पाते हैं वायु पंक्ति पर चल सकते किंचित ना घबराते हैं। श्री शांतिनाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने को। खिलो सदी रिद्धि विभूषे श्री शांतिनाजनी ओम रीम समस्त उपसर्ग विनाशन समय मधुरा मृद्धि विभूषित जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ को लगाव हो गया दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। हाँ जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर से जरूर हाँ जा मिली है वो नदी सागर से जरूर जो भी डूबे है प्रभु की मस्ती में जो भी डूबा है इनकी मस्ती में लगे चार चांद हस्ती में हो दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया जिनको प्रभु पार्श से जुड़ाव हो गया दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। पारस के दरबार में कैसी ठुकी मुनादी रे कैसी ठुकी मुनादी रे वाहरे बाबा तूने तो किस्मत चमका दी रे वाहरे बाबा तूने तो किस्मत चमका दी रे। भगवान की जो प्रतिमा है आप जब भी दर्शन करेंगे आपको इतना आनंद आएगा बहुत आनंद आएगा। और शांति नाथ भगवान का ये क्षेत्र और शांति विधान जो कि हमारे हस्तापुर में 40 दिवसीय है 17वीं बार चल रहा है आप एक बार यहाँ आइए और प्रतिमा जी के दर्शन करिए यहाँ पर विधान करिए बहुत आनंद आएगा। आप पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में दिखाया भी जा रहा है तो क्या कह रहे हैं हो प्रतिमा तुम्हारी मन भाई रे मंदिर के शांतिना तूने महिमा बहुत दिखलाई रे ओ प्रतिमा तुम्हारी मन भाई रे प्रत्येक विंशति गुण विभूषे शांतिनाज नारायण मां पुनर्घम निभामि दी। जय माला पुनर्घम निभामि दी। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम करो करो। ओम नि जगत शांति करे शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम करो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। हस्तनापुर की इस पावन धरा पर मैं प्रतिवर्ष यहाँ निरंतर आता रहता हूँ। साल में तो मेरे अनेक चक्कर लगते हैं लेकिन शांतिनाथ विधान जब 40 दिन का होता है उसमें मैं आता हूँ। मेरे पूज्य पिता श्री श्री विजय कुमार जी ने बैंक वाले और माता जी नियमित रूप से जब से ये विधान की परिपाटी शुरू हुई है तब से निरंतर विधान करते हैं और 40 के 40 दिन यहाँ रहते हैं। और उन्हीं की एक तो पहले शांतिनाथ भगवान की पावन प्रेरणा और आपका मंगल आशीर्वाद पिताजी के आशीर्वाद से हम निरंतर यहाँ आते रहे ऐसी मेरी भावना है। शांतिनाथ भगवान की जय। आज इतने दिनों बाद कुछ पल अपने लिए निकाल कर भगवान के चरणों में
देकर बहुत आनंद आया। वैसे तो इतनी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में कुछ पल निकल नहीं पाते, लेकिन आज बहुत आनंद आया बड़े दिनों के बाद, तो हम सब बहुत आभारी हैं सभी के, धन्यवाद। आज हमारे परिवार को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत हर्षित हुआ मन, शांतिनाथ भाई। बहुत वर्षों से यहाँ 40 वर्ष से शांति विधान होता है और यहाँ आकर हमने आज मेरठ से आकर शांति विधान किया, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और मैं तो यही कहूँगा सबको एक दिन यहाँ आकर जरूर शांति विधान करना चाहिए। यहाँ बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन कर बहुत आनंद प्राप्त होता है। सायंकालीन बेला में संगीत की मधुर ध्वनि के साथ पंच परमेष्ठी भगवान श्री शांतिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की आरती की गई। यह विधि मंगली आरती कीजे, पंच परमी पति भजे सुख लीजे। महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रश्न मंच के माध्यम से जैन धर्म के प्रश्नों को पूछा गया, जिसके पुरस्कार श्री सुमत प्रकाश जैन गुरुकुल हस्तिनापुर वालों ने प्रदान किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन गैस वाले मवाना, राजीव जैन मेरठ, वीरेंद्र कुमार जैन एडवोकेट मुजफ्फरनगर, अभय कुमार जैन मेरठ, अतुल जैन मेरठ, पंकज जैन दिल्ली, मुकेश कुमार जैन महाप्रबंधक, अशोक कुमार जैन उप प्रबंधक, उमेश जैन, अतुल जैन, कमल जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। भवदीय मुकेश कुमार जैन महाप्रबंधक, श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर मेरठ।